और अभी एक एक लग्न की तरफ से एक एक कुछ चिंतन करते जाएंगे, क्योंकि हम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब लग्न में कौन है, कुजक ग्रह है, मीन्स जो मोदी जी का, इसका क्या बोलते, तन भाव बोलते, मीन्स देह का भाव बोलते हैं। देह कैसा रहता है, दृढ़ तरह से देह रहता है, और क्षत्रिय तत्व है। कुजक ग्रह कौन है बोले तो क्षत्रिय ग्रह है, मीन्स कितना भी हिम्मत से ताकत से वार करने में आगे रहते, कभी भी डरते नहीं, कभी भी पीछे नहीं दिखता है, पीछे हटने वाले नहीं है, आगे ही जलने वाले रहते हैं, मगर पीछे नहीं हटते, ऐसे ताकत हिम्मत वाले रहते हैं ये कुजक ग्रह वाले। अच्छा, ये होता है, मगर कुजक ग्रह हिम्मत वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो चुपचाप में झगड़ा करते जाते हैं, ऐसे रहते, मगर इसमें चंद्र ग्रह की साथ भी है। सात चंद्रमा ग्रह बोले तो चंद्र ग्रह का तत्व है मनक कारक का तत्व, जिसमें दया गुण भी रहता है और प्यार भी रहते हैं, प्रीति भी रहते हैं और सोचा भी रहता है। जिसका पास गुस्सा भी रहता है उसके पास प्यार भी रहते हैं। जो गुस्सा की प्यार कैसे होते हैं, पिताजी का प्यार होता है, वैसे ये कुज और चंद्र ग्रह दोनों मेल, उनसे इसके हिम्मत है ताकत है, मगर उसमें जितना हिम्मत है ताकत है उतना ही उसका प्यार भी है, उतना भी उसका योजना भी है, वो दया गुण से भी देख सकता है। मीन्स प्यार करने वालों को इतना प्यार देते हैं, जो उन लोगों को डिफाइन करने वाले रहते हैं उतना ही उन्हों शत्रु बन के दिखता है। दोनों की लक्षण है इसमें। और ये कुजक ग्रह के ऊपर कौन सी ग्रहों का दृष्टि है, आप तो जानते हैं, कोई ज्योतिष शास्त्र पंडित देख रहे हैं तो आपको भी मालूम है। 1, 4, 7, 10 गुरु ग्रह देखता है, 1, 4, 7, 10 जो केंद्र स्थान देखता है। और कुजक ग्रह के ऊपर और लग्न के ऊपर किसका दृष्टि है बोले तो गुरु ग्रह का दृष्टि है। इससे क्या होता है, लग्न के ऊपर गुरु ग्रह दृष्टि बोले तो धार्मिक दृष्टि होता है, मीन्स धार्मिक विद्या में धार्मिक संपत्ति का ज्ञान रहता है। गुरु ग्रह का कारकत्व क्या है, धन कारक और ज्ञान का कारक है। और इसमें गुरु ग्रह की दृष्टि से मोदी जी का कभी भी ज्ञान धन रुकने वाले कभी भी नहीं है। मोदी जी चाहिए तो करोड़ों रुपए कमा सकते, मगर ये गुरु ग्रह की वजह से, ये गुरु ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह और शनि ग्रह का दृष्टि की वजह से इसकी इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड में वो स्वयं उसकी प्रतिपत्ति के लिए कमाई करना नहीं चाहता है, वैसे जातक है। और द्वितीय स्थान के ऊपर चिंता करेंगे, द्वितीय स्थान का अधिपति है गुरु, वो गुरु है चतुर्थ स्थान में और शनि का क्षेत्र में है, गुरु वक्रत्व में भी, उसी के लिए इसका स्थान में क्या बोलते हैं, दादाजी का और फोर फादर्स का जो इनकम बोलते हैं इसके ए तरफ से बोलते हैं। इसे देखें तो वो इनकम तो मोदी जी का तो नहीं है। और तृतीय स्थान देखें तो शनिग्रह, ये कुंभ राशियाधिपति कौन है, शनिग्रह है, शनिग्रह भी दशम स्थान में है और शनि बोले तो भाई बहनों को स्थान है, मगर जो शनिग्रह किसके स्थान में है, सिंह राशि में है, उसके लिए ताकत उतना नहीं है, उसके लिए मोदी जी को उसके भाई लोगों से, उसके लोगों से बहुत ज़्यादा रिश्ता जुड़े हुए नहीं है। और चतुर्थ स्थान में देखें तो ये कुटुंब स्थान बोलते हैं, घर में रहने वाले, आपका कोई बड़ा गाड़ी है और बड़ा गोन घर है बोले तो आपकी ये स्थान बहुत अच्छा है बोल के समझ लीजिए। ये स्थान मोदी जी का स्थान ठीक नहीं है, उसके लिए मोदी जी को एक जगह में नहीं बैठा, वो घूमते रहेगा, हिमालय गया, पूरा इंडिया घूम रहे हैं, अभी पूरा वर्ल्ड घूम रहे, घूमने का बहुत ख्वाहिश है मोदी जी का, ऐसे चतुर्थ स्थान है। और पाँचवा स्थान में देखें तो ये ज्ञान स्थान और पुत्र स्थान बोलते हैं, ये पुत्र स्थान में राहु ग्रह गए, राहु ग्रह कौन से भी स्थान में रहो उसका नाशन करता है, और पुत्र स्थान में राहु ग्रह रहे तो मोदी जी का संतान नहीं है, पुत्र स्थान भी नहीं है। वैसे भी ये राहु को कौन देख रहे, रवि देख रहे और बुध देख रहे और केतु देख रहे, तीनों ग्रह देख रहे, मीन्स इसका डोमिनेशन बहुत बड़ा कम हो गया, ज़्यादा डोमिनेशन नहीं है राहु जी का, क्योंकि रवि का दृष्टि है। सब लोग को ये जानते नहीं है, कुछ लोग पंडित बोलते ये राहु ग्रह केतु ग्रह रही तो कौन से भी ग्रह रही तो उसका शक्ति चले जाते, इट्स रॉन्ग। सूर्य प्रकाश ग्रह है, रवि ग्रह में आप कोई भी अच्छे लाइट डालिए उसके आगे कोई छाया रहते है क्या, नहीं रहते, छाया किधर भी नहीं रहते। वैसे रवि ग्रह के सप्तमा स्थान में जब राहु आए तो उसका शक्ति कुछ भी नहीं रहता, राहु का शक्ति पूरा खत्म हो जाते, उतना नहीं रहते। वैसे मोदी जी का पंचमा स्थान में कौन है, गुरु ग्रह है जो ज्ञान कारक है, उसको ये स्थान को कौन देख रहे हैं, रवि ग्रह देख रहे हैं, बुध ग्रह देख रहे हैं, उसके लिए जिसकी जातक में ज्ञान स्थान को, ये पंचमा स्थान को, विद्या स्थान को कौन कौन देखते हैं, रवि देख रहे, उसके लिए राजनीति शास्त्र में बहुत बड़ा कौशल्यता है। और बुध ग्रह भी है, उसके लिए मोदी जी का वाचन शक्ति, भाषण की शक्ति देख लीजिए,
हजारों लोग करोड़ों लोगों को भी वो चेतना देता है। हंसना बोले तो मोदी जी के सभा में कितने लोग हंसे, हंसना बोले तो हंसा सकते हैं, चेतना देना बोले तो चेतना दे सकते हैं, चाहे उसकी भाषण से हमारे दिल में वो घुस सकता है, इतना ताकत है मोदी जी का भाषण में। वो होता है बुध ग्रह से, क्योंकि बुध ग्रह बहुत उच्च स्थान में है कन्या राशि में, और रवि ग्रह की स्थान की वजह से क्या हो गया, दृष्टि की वजह से मोदी जी का भाषण की शक्ति, राजनीति का कौशल्यता बहुत बड़ी है। और ये राहु ग्रह क्या हो गया, कौटिल्य का बोलते हैं, राहु क्या हो कौन है, कुटिलत्व, कुटिल क्या करना, किस लोगों को कैसे मारना, किधर शत्रुओं को कैसे करना, ये पूरा ज्ञान राहु का रहता है। वैसे भी मोदी जी का बहुत अच्छे ज्ञान है शत्रु लोगों को कैसे हटाना, उन लोगों से कैसे वार करना, उन लोगों को दिमाग को कैसे हटाना, उन लोगों के दिमाग को कैसे स्टॉप करना, उन लोगों को सोचों को कैसे डाइवर्ट करना, ये पूरा मोदी जी को बहुत अच्छा प्लानिंग करने का दिमाग है। वैसे भी शत्रुस्थान देखेंगे, शत्रुस्थान का अधिपति कुछ ग्रह स्वक्षेत्र में है, क्योंकि इसका शत्रु कोई भी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं उसके ग्रह में है, उसके लिए मोदी जी को बाहर से कोई शत्रु आने वाले नहीं है, वो खुद की वही शत्रु है उसके लिए। वो क्या बोलते, मैं फकीर हूँ बोलते उसके लिए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं चाहते, सुख भोग नहीं चाहते, बस लोगों की सेवा करना चाहिए, यही है कुछ ग्रह का स्थिति। और सप्तम स्थान देखेंगे कड़त्र स्थान, कड़त्र स्थान का अधिपति है शुक्र, जो शुक्र शनि के साथ पापग्रह के साथ स्थित हुआ है, उसके लिए मोदी जी का ये शादी के बारे में वो सोच नहीं है, वैसे भी वैवाहिक जीवन का उसका सुख नहीं है बोल के देख सकते हैं।